जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है और आज हम हमारे सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है 139। अमेजिंग जर्नी रही है ये। एंड आज के लिए हमारा टॉपिक है संयम का महत्व। तो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, इस पे हम बात करेंगे। साथ में ही डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट, ये टॉपिक आया है। और किसी ने पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज फोकस कॉन्सेंट्रेशन ऑन गुड थिंग्स टू क्लियर स्टॉप द अननेसेसरी थॉट्स। इसकी तो रोज ही बात हो रही है, रोज ही बात हो रही है। और इस पे और ज्यादा बात चाहो तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। पर बात करते हैं संयम की। संयम का महत्व क्या है? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, भगवद गीता का। जय श्री कृष्ण। और ये रेफरेंस इससे पहले भी हम कई बार टच कर चुके हैं, पर फिर से एक बार टच करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम आते हैं अध्याय 14 पर, प्रकृति के तीन गुण। ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं कि तीन गुण क्या है। रज, सत्व, तम, ये जो गुण है इनकी बात हो रही है और इनकी आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। आने वाले समय में ये पूरा अध्याय भी हम लेने वाले हैं, बट अभी नहीं, गुरुवार शाम के 6 बजे के सेशन में, है ना, मेरी भगवत गीता में। यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तो भगवान ने तीन, मैं चार श्लोक पढ़ूंगा आपके लिए, अध्याय 14 5 से 8 तक। तो पहले अध्याय 14 का श्लोक 5। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबंधन्ति महाभावो देहे देहिन अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने कहा भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, यह है सतो, रजो और तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन तीन गुणों से बंध जाता है। जय श्री कृष्ण। यानी हम जैसे ही इंसान कोई आता है और वो बाकी चीजों के साथ कनेक्ट होता है, उसके गुण आने ही हैं। शरीर के साथ जैसे ही जीव जुड़ गया उसमें ये तीन गुण आने हैं। अब इन तीन गुणों की व्याख्या क्या बताई है भगवान ने? आगे भगवान ने बताया है कि तत्र सत्वम निर्मल निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनायम सुख सुख संगेन बंधन्ति ज्ञान संगेन च अनघ। तो भगवान ने यह बताया, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, लाइट देने वाला है। ओके, और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सत्व गुण आगे देखते हैं। रजो राग आत्मकम विद्वी तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहि मार। तो यहाँ पे भगवान ने यह बताया, हे कुंती पुत्र, रजोगुण जो है उसकी उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से होती है तथा तृष्णाओं से होती है। ओके, एम्बिशियंस, एक्सपेक्टेशंस, है ना, अलग अलग चीजों को पाने की इच्छा। और इसी कारण यह सब देहधारी जीवों को सकाम कर्मों के साथ बांधता है। यानी काम किया टारगेट लेके, काम किया टारगेट लेके, काम किया टारगेट लेके, है ना, तो काम किया और टारगेट लेके, तो ये सकाम गुण सकाम कर्म है जो रजो गुण से आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तम तु अज्ञान जम विद्वी मोहन सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा निद्रा भी
तत निबंधन्ति भारत। तो यहाँ पे तमोगुण के बारे में भगवान ने बताया, जब इंसान पे तमोगुण की बहुता होती है, तमोगुण की बहुता होती है यानी तमोगुण डोमिनेंट होता है, तब उस व्यक्ति को अज्ञान, मूर्खता, ओके, निद्रा, आलस, इन गुणों का प्रभाव होता है। क्रोध भी है वहां, है ना? तो पागलपन है, अज्ञान है, क्रोध है, आलस है, निद्रा है, तो ये चीज आती है। तो ये तीन टाइप के गुण हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीन टाइप के सुखों के बारे में बात करते हैं, और इसके लिए हम सीधा शिफ्ट करेंगे अध्याय 14 से अध्याय 18 में। और ये अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो इसके लिए मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगा आज, केवल उसके अर्थ पढ़ूंगा। तो सुनते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 37 है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। पहले विष जैसा और बाद में अमृत, पहले विष जैसा बाद में अमृत। आगे देखते हैं दूसरा वाला जो बताया है अध्याय 18 के श्लोक 38 में, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो शुरुआत में अमृत तुल्य है, शुरुआत में अमृत तुल्य है, बहुत ही बढ़िया है, और अंत में विष तुल्य बन जाता है, उसे रजोगुणी कहलाता है, वह सुख। और तीसरा वाला तथा अध्याय 18 श्लोक 39 में, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य, क्रोध और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी सुख कहलाता है। जय श्री कृष्ण। अभी तो हम तामसी की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम राजसी और सात्विक सुख की बात करेंगे। तो प्रारंभ में विष जैसा लगता है और बाद में अमृत के समान, वह सात्विक सुख है, अच्छा सुख है, गुड जिसे कहते हैं, अच्छा वाला सुख। अब अच्छा सुख पाने के लिए हमें इन स्टेप से जाना पड़ेगा, अच्छा सुख पाने के लिए हमें इन स्टेप से जाना पड़ेगा, और यहाँ पे रोल आता है संयम का, पेशेंस का। भगवान कहते हैं हर अच्छी चीज जो है शुरुआत में कड़वी लग सकती है, शुरुआत में कड़वी लग सकती है। अब ये कड़वी लगना मतलब क्या है? ऐसे कोई हर चीज की टेस्ट थोड़ी लेते हैं, तो बात है एक्सपीरियंस की, है ना? बात है एक्सपीरियंस की, एंड दैट इज वेयर पेशेंस प्लेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल माय फ्रेंड्स। पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। अभी हम एक-एक मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मान लो शरीर के समृद्धि की, फिटनेस की। ओके, तो फिटनेस जरूरी है ना? कितने लोगों को लगता है फिटनेस जरूरी है? हाथ दिखाए, क्या बात है, सच में इतने सारे लोग कहते हैं फिटनेस जरूरी है, वाओ अमेजिंग, जय श्री कृष्ण। अच्छा, फिटनेस आता कैसे है? ओके, तो फिटनेस के अभी कई सारे प्रकार आ गए, उसमें एक शरीर का फिटनेस है, एक मन का फिटनेस है, इतना तो हम जानते हैं ना, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल या मेंटल फिटनेस। इसके बाद और सारे फिटनेस आएंगे, मान लो रिलेशनशिप, बिजनेस, इधर उधर हर जगह फिटनेस टेस्ट हो सकती है, हर जगह फिटनेस टेस्ट हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर हमें फिटनेस बढ़ाना है, इफ वी वांट टू बी फिट, अगर हमें फिटनेस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू से, क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर शरीर का फिटनेस बढ़ाना है तो, है या ना? यस। तो शरीर का फिटनेस बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, साथ में अच्छा डाइट जरूरी है, ओके, डेली रूटीन का डिसिप्लिन जरूरी है। अब कल्पना करें कि मान लो यहाँ पे कौन है जिसका एग्जाम्पल ले, चलो किसी का एग्जाम्पल नहीं लेते, किसी एक्स वाई जेड विक्रम का एग्जाम्पल लेते। मान लो कोई विक्रम नाम का लड़का है और वो ये सब चीजें करना चाहता है, हर चीज, जल्दी उठेगा, प्रॉपर डाइट लेगा, एकदम प्रॉपर डाइट, एकदम जबरदस्त डेली रूटीन, एकदम जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहा है विक्रम। और मानो विक्रम ने ना ये पूरा का पूरा ऐसे ध्यान लगा के, जबरदस्त फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ 3 दिन किया, जस्ट इमेजिन 3 डेज, क्या उसका फिटनेस सुधर जाएगा? ना,
चलो ठीक है, 3 दिन के 5 दिन करते हैं। ना 5 दिन, कम ऑन यार कुछ तो। अच्छा चलो 7 डेज, 7 डेज। अच्छा चलो महीना भर किया तो कुंचम कुंचम कुंचम, यानी थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम। अच्छा 3 महीना किया तो बढ़िया होगा। ओके साल भर में, वाओ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके एंड उसके बाद अगर उसने फिर से छोड़ दिया तो, ओ गॉड, है ना। तो बात यह है, दैट इज वेयर संयम का महत्व बहुत 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 बड़ा है दोस्तों। तो लाइफ में कोई भी वर्थवाइल चीज अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट टू अचीव, इनफैक्ट कल ही हमने विवेकवाणी में सुना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, सुना ना हमने, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जो बड़ी और महान अचीवमेंट करनी है जीवन में तो उसके लिए समय लगता है, उसके लिए समय लगता है। बड़ी चीजों के लिए, ग्रेट चीजों को की अचीवमेंट अगर करनी है तो समय लगता है ना। अब देखते हैं निसर्ग में फल कैसे मिलते हैं ना, फल कैसे मिलते हैं जरा देखने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल, किसी ने दरवाजे में कोकोनट ट्री लगा दिया या मैंगो ट्री लगा दिया, तो कितना समय लगता है उसको बीज आने में? कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, 2 साल, 3 साल। अब अगर मान लो कोई रोज सुबह उठ रहा है और वो कोकोनट की तरफ देख रहा है और उसे बोल रहा है कि भाई तू तो मेरे से बड़ा हो गया है ना, ओके मैं बाहर जाके काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तू नारियल कब कब आएगा, व्हाट वुड दैट कोकोनट से, है ना। तो हमेशा इस बात को के प्रति सजग रहते हैं दोस्तों, सजग रहते हैं कि हर चीज का अपना एक समय होता है, हर चीज का अपना एक जेस्टेशन पीरियड होता है। उसको बड़ा होने में, उसकी फल प्राप्ति होने में, उसके माध्यम से फल मिलने में एक पर्टिकुलर समय होता है। और जो व्यक्ति यह समय तक पेशेंस रख सकता है वह जिसे कहते हैं सात्विक सुख उससे प्राप्त करेगा। क्या करेगा? सात्विक सुख प्राप्त करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? पेशेंस बेहद 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 जरूरी है हर चीज में, हर चीज में। एग्जाम्पल, थोड़ी सी बात करते हैं, अभी फिटनेस की बात कर ली है ना, थोड़ी बात करते हैं पैसे की। मान लो किसी ने बैंक में पैसे डाल दिए, म्यूचुअल फंड में डाल दिए, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिए, कहीं पे भी, ओके, तो ऐसा होगा क्या कि 2-3 महीने बाद उसका पैसा डबल हो गया? नहीं होगा ना। जो भी लोग ऐसा चाहते कि 2-3 महीने में पैसा डबल करे, उनका क्या होता है पता है आपको? यू नो व्हाट हैपेंस टू देम? जो भी लोग ये ऐसे पैसे डबल करने की स्कीम में जाते हैं, उन उनको जादू का अनुभव होता है, यू नो मैजिक, जादू का अनुभव होता है। कुछ दिनों बाद उसका उनका पूरा पैसा गायब हो जाता है ना। तो ये अमेजिंग जादू का अनुभव होता है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होता, पैसा ग्रो करना है या बिजनेस में बढ़ाना है तो आपको संयम रखना पड़ेगा। मान लो कोई स्टूडेंट है और उसने बुक हाथ में ले ली, मान लो चलो ये बुक है, ओके अब इसे बुक तो कहेंगे है ना, ये बुक भी है, भगवत गीता है, तो इसके साथ इमोशन भी आएगी, कोचिंग की फीलिंग भी आएगी, सो मेनी थिंग्स। बट मान लेते ये बुक है और ये 650 पन्नों की बुक है, बराबर। अब अगर इसे किसी को इसे पूरा पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, तो कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे है ना। हो सकता है किसी को 6 घंटे लग जाए, 100 पेज अगर पढ़ लिए हर घंटे को, तो अगर कोई 60 पेज घंटे के पढ़ता है तो उसको कितना लगेगा? करीब करीब 10-12 घंटे लग जाएंगे है ना। कोई अगर मान लो 30 पेजेस पढ़ता है 1 घंटे में, तो उसको 24 घंटे लग जाएंगे, है या ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फेविकॉल का जोड़ लगाना पड़ेगा, खुरचे के साथ चिपकना पड़ेगा, बाकी चीजों को त्यागना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, है या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो ज्ञान अर्जन करने के लिए भी यही होता है ना कि संयम लगता है, संयम लगता है।
ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो नो ह्यूमन बींग इज परफेक्ट? क्या आपको कोई मिला है जो परफेक्ट है, लगा है कभी, कभी मिला कोई परफेक्ट? इल्ले है ना, तो कोई परफेक्ट नहीं होता। अब फिर भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है ना। यस वी कैन हैव ट्रेमेंडस रिलेशनशिप्स, अमेजिंग रिलेशनशिप, है ना। क्या लगता है आपको, हो सकती है? अब ये जो ट्रेमेंडस रिलेशनशिप है या अमेजिंग रिलेशनशिप है, ये आती कहां से या होती कैसे है? उसके लिए एक स्टार लग जाता है, और वो स्टार यह है कि कम से कम वो रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं उनमें से कम एक व्यक्ति क्या रख रहा है, पेशेंस। व्हाट्स द वर्ड? पेशेंस, संयम। तो स्वीकार का भाव रख रहा है, पेशेंस रख रहा है, एंड दैट इज हाउ इट गोज फॉरवर्ड, दैट इज हाउ ये आगे बढ़ जाता है। हाय आना, यस दैट इज द की, दैट इज द की। अब मैं आपको ना, ये तो हो गई थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें, ये हो गई भगवद गीता का रेफरेंस, एक थोड़ा सा मॉडर्न रेफरेंस भी देना चाहूंगा। और ये अमेजिंग स्टडी हुई है, अमेजिंग स्टडी हुई है, एंड मुझे पूरा पक्का पता है आप में से कम 40% लोगों को ये पता भी होगा। तो मैं एक आपके साथ एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, और इस टेस्ट का नाम है मार्शमेलो टेस्ट। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? मार्शमेलो टेस्ट। अब इसका एक बुक भी आता है मार्शमेलो टेस्ट नाम का, ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कितने लोगों को पता है इसके बारे में, मार्शमेलो टेस्ट? ओके, तो बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं आए हैं, स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज से करीब करीब व्हाट 60-65 ईयर्स बैक एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया, और वहां क्या हुआ कि कुछ छोटे बच्चे, मान लो 7-8 साल के बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट हुआ। टीचर ने या प्रोफेसर ने क्या किया, अब इसमें तो टीचर की 3 जनरेशन लग गई, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, 20-20 साल बाद वो ऑब्जर्वर बदले, बट टेस्ट चलता रहा। तो सुनते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो टीचर्स ने क्या किया पता है, जो बच्चे हैं 7-8 साल के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को टीचर ने कुछ टॉफीज दी, सबके सामने एक एक टॉफी रखी, ओके। तो बच्चे ऐसे राउंड द टेबल बैठे हैं, है ना, बच्चे राउंड द टेबल बैठे हैं और वहां पे टॉफी रखी है, सबके सामने एक ट्रॉफी, मान लो एक बढ़िया सा प्लेट है, क्या है, एक बढ़िया सा प्लेट है, और इस प्लेट में एक टॉफी रखी है, चॉकलेट, बच्चे की फेवरेट चॉकलेट। और बच्चे को ये बोला गया, बच्चे को ये बोला गया कि बच्चा अगर टीचर के वापस आने तक वेट करेगा तो उसे और एक मिलेगी, टीचर के आने तक वेट करेगा तो उसे और एक मिलेगी, और अगर उसे और एक नहीं चाहिए तो वो उसे खा सकता है, अभी भी खा सकता है, तुरंत खा सकता है, ओके। तो क्या हुआ, कैमरास लग गए, या फिर ऑब्जर्वेशन किया, अभी उस वक्त तो इतने एडवांस कैमरा वैमरा नहीं थे, तो जिसे कहते ऑब्जर्वेशन विंडोज में से देखने वाले देखने लगे, बच्चे अंदर हर तरफ से झांक के देखा जा रहा है बच्चों को, और उनका बिहेवियर नोट किया जा रहा है, उनका बिहेवियर। तो प्रोफेसर बाहर चले गए, सब लोग ऑब्जर्व कर रहे। तो कुछ बच्चों ने तो कल का कल देखते हैं सोच के तुरंत वो चॉकलेट खा ली, कुछ बच्चों ने थोड़ा पेशेंस रखा और बार 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 दरवाजे की तरफ देख रहे, कब आएगा मेरा दूसरा चॉकलेट, है ना। तो कुछ बच्चों ने ऐसे इंतजार किया, और फिर देन दे गिव अप, और उन्होंने वो चॉकलेट खा ली, जाने दो सर का कोई भरोसा नहीं, कब आएंगे। और कुछ बच्चे जो है वो उन्होंने वेट किया सर के आने तक, प्रोफेसर के आने तक, दे गॉट द सेकंड। अब उनमें से कुछ और बोले, सर और वेट किया तो ये 2 के 4 हो सकते हैं क्या, है ना। अभी ये क्या था दोस्तों,
यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हाउ समवन कैन कंट्रोल हिज और हर इमोशंस। देखो, इमोशन में एक्शन लेना तो सबकी चाह होती है ना, सबकी चाह होती है, किंतु वो एक्शन अप्रोप्रिएट समय पे, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी पे लेना लाइफ सक्सेस में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो एक्सपेरिमेंट आगे चला, ये बच्चे 20-22 साल के हो गए, तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा गया। किड्स विद हाइयर पेशेंस, जिन्होंने वेट किया था एंड तक, दे डिड फार बेटर देन द अदर किड्स, क्योंकि उनके पहले वाले जो ग्रुप थे उनमें वो इम्पल्सिव बिहेवियर था, एग्जाम आई स्टडी करेंगे, है ना, एग्जाम निकल गई कि रिलैक्स हो जाएंगे, ऑन ऑफ मूड के हिसाब से, है ना। तो अभी मेरी जो इच्छा है उस पर वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अभी मेरी इच्छा है, जबकि जो दूसरे बच्चे थे जिनमें पेशेंस था, जिन्होंने वेट किया था, उनमें वो पेशेंस वहां पे भी नजर आए। साल भर बाद एग्जाम है, पर वो आज से ही पेशेंस के साथ बाकी मोहों को त्याग कर डिसिप्लिन के साथ 1 घंटा 2 घंटा रोज स्टडी कर लेते, दे डिड वेल। आगे गया एक्सपेरिमेंट और 15-20 साल आगे गया, है ना, 15 साल आगे गया, मान लो तो 35-37 के हो गए वो। अब उनका जॉब का परफॉर्मेंस देखा जा रहा था, जॉब का परफॉर्मेंस देखा जा रहा था। ओके, तो वहां पे ये नजर आया कि जो इंपल्सिव बच्चे थे वो अभी भी बेसिक लेवल पे है, वर्कर कैटेगरी में या लोअर मैनेजमेंट में है, जबकि पेशेंस वाले बच्चे काफी ग्रो कर गए, उनका नॉलेज, उनकी स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल जो मैं बार बार बात करता हूँ, वो और ज्यादा इंप्रूव हुई थी, उन्होंने खुद पे काम किया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? तो वो बेटर था, तो वो हायर मैनेजमेंट में ऑलरेडी पहुंचे थे 35-37 साल की उम्र में, और बाकी लोग वही थे, क्योंकि उनको इंस्टेंट फायदा चाहिए था, इंस्टेंट फायदा, इंस्टेंट फायदा, जबकि ये लोग पेशेंस से कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे थे, टीम वर्क के लिए काम कर रहे थे, खुद के इंटरेस्ट को थोड़ा बाजू में रख रहे थे। और 20 साल चले गए, और 20 साल चले गए, 55th बर्थडे बर्थडे आ गया उन लोगों का। ओके, फिर सबको देखा गया, तो उनमें से 6 लोगों की कुछ एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हो गई थी। जो लोग पेशेंस नहीं रख रहे थे, दे हैड मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, दे हैड मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां हुई उनकी, उनके रिलेशनशिप में तनाव थे, दे वर नॉट एंजॉइंग वेरी गुड ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे थे उनके। और जो लोग संयम में थे, दे वेर इन गुड शेप। इंस्टेंट फायदा ना होते हुए भी रोज एक्सरसाइज करते थे, रिलेशनशिप दो नॉट परफेक्ट बट दे वर एंजॉइंग वेरी गुड रिलेशनशिप बिकॉज दे हैड दैट पेशेंस। वो कहते हैं ना कुरकुरे के ऐड वाला, उनमें वो एटीट्यूड है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो यार कौन परफेक्ट है ना, बट उनमें वो पेशेंस था, उनमें वो पेशेंस था, तो उनको वो देखा गया। फिटनेस अच्छा, रिलेशनशिप अच्छी, दे वर ह्यूजली सक्सेसफुल। अब यहाँ सक्सेस के डेफिनेशन करते हैं, तो उन्होंने देखा जो 100 बच्चे थे ये, ओके तो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, दे स्टार्टेड विथ 100 किड्स, उसमें से 5-6 मर गए, बट बाकी जो भी बचे उनकी भी परसेंटेज की बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि 80 बच्चे, इम्पेशेंट बच्चे, जितना पैसा कमा रहे थे उतना अगले 17 कमा रहे थे। 80 पीपल की जो अर्निंग है उतनी ही अर्निंग नेक्स्ट 17 की थी। आई होप यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा वो कमा रहे थे। और जो एंड में और एक्स्ट्रा पेशेंस रखने को तैयार थे, वो 3% लोग जो थे ना, उनकी अर्निंग ये पहले 97 से ज्यादा थी। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज एन अमेजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जय श्री कृष्ण। यस, तो ये पेशेंस का महत्व है दोस्तों, ये पेशेंस का महत्व है ना। यानी फाइनेंशियल सक्सेस यस, हेल्थ यस, बेटर रिलेशनशिप यस, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस यस, बेटर अचीवमेंट्स इन लाइफ यस, यस और यस, तो सब में यस, पेशेंस का खेल है दोस्तों। और इंसान वही अच्छा कर पाता है, इंसान वही अच्छा कर पाता है जो लॉन्ग टर्म प्लान्स पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस करते हैं।
हमें कई सारे लोगों ने बोला कि सर ये क्या कर रहे हो। इनफैक्ट हमारे तो कई सारे टीम मेंबर्स हम पे नाराज हुए, पता है, जब हमने ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सब फ्री चीजें शुरू कर दी, तो कई सारे लोग हमसे नाराज भी हो गए। ये सर दिस इज नॉट प्रोफेशनल अप्रोच, सर्विस दे रहे तो कुछ पैसे लेने चाहिए, ज्ञान दे रहे तो कुछ फीस रखनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कई सारे लोगों ने बोला। और उनमें से कुछ तो मुझसे सीनियर है, पार्टनर है, बट सीनियर है, ज्ञानी है, और हमने सिर्फ नम्रता पूर्वक कहा। हमें ऐसा लगता है कि ये समय है सेवा करने का, हम सेवा करें। एंड हम इधर उधर देखते नहीं दोस्तों, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो 2028 का है। 2018 की शुरुआत में हमने तय किया था, 2028 का एक ऑब्जेक्टिव है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, 10 साल बाद वाले ऑब्जेक्टिव के लिए लंबा ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। अब मैं आपके सामने ना कुछ डेट्स बताऊंगा फाउंडेशन की। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट फाउंड हुई, बिल गेट्स वाली कंपनी। ओके, 4 अप्रैल 1975, तो वो मेरी छोटी बेटी का बर्थडे भी है, तो वो खुश हो गई, बोले 4 अप्रैल आ गए, है ना, ये अनुष्का बेटी है, वो कहाँ गई, ये सुन गई, तो यहाँ पे बस वो खुश हो गई, वाह क्या बात है, बढ़िया। तो 75, आज क्या चल रहा है, 45 साल, 45 साल। और माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कब बनी, 95 से 2000 के बीच में, यानी 20 से 25 साल बाद। तब तक तो कोई जानता भी नहीं था बिल गेट्स को, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं, और एक कंपनी देखते हैं, और एक कंपनी देखते हैं, और उसका फाउंडेशन देखते हैं। ओके, आज एक कंपनी है जिसका नाम है इंफोसिस, आपको पता है इंफोसिस। यस, अब ये कंपनी, इसका फाउंडेशन है 1996 का, 1996 में इंफोसिस फाउंड की नारायण मूर्ति जी ने, सुधा मूर्ति मैम ने, उससे पहले 10-12 साल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया, तो उनकी शुरुआत उससे पहले के 10-12 साल की, तो मान लो 1984 से उन्होंने काम शुरू किया। आज कितना है, 2021 है ना, और आज 43.6 बिलियन की कंपनी है। अमेजिंग है, बट यहाँ क्या हम ये अप्रिशिएट कर पा रहा है, उन्होंने 25 to 35 years ऑफ लाइफ दिए हैं इसको, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, और एक हरी कंपनी लेते हैं, मान लो टाटा ग्रुप 1868 में फॉर्म हुआ, 1868, आई सेड 1868। और कोई बड़ी कंपनी का नाम लेते हैं, आज हम बहुत गुनगाते हैं रिलायंस के, है ना, तो रिलायंस की जो फाउंडेशन है, ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम की जो कंपनी है, ये फाउंड की गई 8 मई 1973 को, और 2020 में, 2020 में मुकेश अंबानी दुनिया के पहले 10 अमीरों में से पहुंचे, है ना। तो कहां, जिसे कहते हैं 73 से 25 साल उधर, 20 साल, नहीं 45 years के बाद हुआ है ये, हाँ ना। यस, अब किसी ने टाइप किया है जियो, जियो तो सब कंपनी है ना, जियो सब कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना की, तो पूरी उम्र लगा दी फाउंडेशन में, है ना। हाँ, उनके बाद जब आदरणीय संभाजी राजे आए, है ना, उनका राज्याभिषेक दिन था शायद कल, यस कल का ही राज्याभिषेक दिन था उनका, वो छोटा सेलिब्रेशन भी किया, कई सारे लोगों से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट वो तो यंग एज में बन गए ना राजा, बट काउंटिंग कहाँ से होगी, वहां से जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, आया ना, इल्ले काउंटिंग वहां से शुरू होगी जब बचपन में माता जिजाऊ और शाहजी राजे बात करते थे छोटे छोटे वो, है ना, तो वहां से काउंटिंग शुरू होगी दोस्तों। तो एवरीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम, हर सब, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप छोटे गांव में हो या कैपिटल दिल्ली में हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मराठी स्कूल में पढ़ रहे हो हिंदी इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरनेशनल बोर्ड में हो या लोकल बोर्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास संसाधन है या नहीं है, बट फर्क पक्का पड़ता है दोस्तों, क्या आपके पास एक वर्दी गोल है और क्या आपके पास एक अच्छा गुरु है। कल भी हमने विवेकवाणी में इन चीजों की बात की, आइडियल और वर्दी आइडियल। क्योंकि जिसके पास एक अच्छा गुरु है और अच्छा गोल है वो गलतियां तो करेगा, वो भी गलतियां करेगा बट कम करेगा। जिसके पास गोल नहीं है, जिसके पास गुरु नहीं, वो हजारों गलतियां करेगा और हो सकता है फिर भी ना सुधरे हो सकता है फिर भी ना सुधरे। तो ये जो पावर है ना दोस्तों संयम का, अमेजिंग पावर है। व्हाट्स द वर्ड? अमेजिंग पावर है ना। इनफैक्ट जिसे कहते हैं कि आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो से आई हैव क्रॉस्ड 4 decades ऑफ माई लाइफ एंड आई एम सेइंग दिस स्पेशली टू माई यंग फ्रेंड्स। जीवन के 4 दशकों के बाद आपके सामने आया हूँ। पिछले दशक में मिलते तो आप मुझे कहते कौन है ये फालतू आदमी, इसे किसने लाया है उठा के, है ना। तो पेशेंस नहीं था हमारे पास, तो हर जगह गुस्सा और हर जगह नेगेटिव एनर्जी बांटते रहते थे। इनफैक्ट ये बात बार बार सामने आ रही है, लर्न द आर्ट ऑफ बिल्डिंग हाईवेज फॉर पॉजिटिव एनर्जी। सकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसके लिए हाईवे बनाना शुरू करें, उसको डायरेक्ट एंट्री दे अपने जीवन में, रास्ते बड़े करें सकारात्मक ऊर्जा के। अगर आपको कहीं लोग देख रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग, सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग, मेक इट अ पॉइंट टू रीच आउट टू दिस पीपल। हमें उन तक जाना है, हमें उन तक पहुंचना है सकारात्मक ऊर्जा के लिए। और अगर कोई आपको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है तो अर्जेंट बेसिस पे ब्लॉक बटन यूज करना है, ब्लॉक अर्जेंट बेसिस पे। अगर आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपका मूड खराब कर रही है, कोई आपको टेंशन दे रही है ना, कोई आपको क्या कहते हैं निगेटिव एनर्जी दे रही है, एंट्री बंद कर दो, काम खत्म। कोई ईगो वीगो संभालने की जरूरत नहीं, चाहे संभालना ही तो फोड़ के एक फिगो गाड़ी संभाल लो, बट ईगो नहीं संभालना है ना। तुरंत एक बटन दबाना है, ऐसे 3 डॉट पे क्लिक करके ब्लॉक बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि वट एवर वी फोकस ऑन एक्सपांड्स, वट एवर वी एक्सपीरियंस एक्सपांड्स, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट माई फ्रेंड्स टू डू वर्थी थिंग्स। जैसे मैंने कल बताया, स्वामी जी ने कहा, क्या कहा स्वामी जी ने, मुट्ठी भर रेत मेरा जीवन का ज्ञान है। तो हम बहुत कम चीजें कर सकते हैं जीवन में, तो एक चीज पे फोकस करें और उसी के पीछे लगे और बाकी सब उसके रिलेटेड सब चीजों को एज अ एक्सप्रेस हाईवे आने दे, अपने पास स्वीकार करें, बड़ा हाईवे बने और नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करें। व्हाट्स द वर्ड? नो एंट्री एट ऑल, नो निगोशिएशंस एट ऑल, एंड दैट इज हाउ लाइफ वुड चेंज। उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ी सी बात में समझा पा रही हूँ, है ना। जय श्री कृष्ण। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज में अभी और एक दो मुद्दों में पे मैं संयम की बात करूंगा। इवन वी नीड पेशेंस इन टू व्हाइल रिपेयरिंग थिंग्स, चीजों को रिपेयर करना है, चाहे बॉडी हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पीस ऑफ माइंड हो, उसको भी रिपेयर करने में पेशेंस लगता है, समय लगता है, हाँ या ना। तो ये जीवन का नियम है, इसे पकड़ते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों संयम पे थोड़ी सी ये जो बात मैंने कही ये आपको ठीक लगी होगी, है ना। संयम वर्दी गोल में तो संयम होता है, एंड दैट इज हाउ जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो हमेशा कोशिश करते हैं कि डिवोट देयर एंटायर लाइफ टू वन थिंग। ग्रेटनेस उसी में है दोस्त। और आपको भी ये तय करना है आज, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कि व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू कमिट टू, व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू कमिट टू। से आई वुड लाइक टू कमिट माय लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीनेजर्स, वन थिंग, दैट्स इट। अब अगर मैं दासबोध पढ़ूंगा तो उसी के लिए पढ़ूंगा, अगर मैं तुकाराम महाराज की
गाथा पढ़ूंगा उसी के लिए पढ़ूंगा, अगर मैं भगवद गीता पढ़ूंगा उसी के लिए पढ़ूंगा, अगर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अलग अलग रिसर्चेस स्टडी करूंगा तो भी उसी के लिए करूंगा, अगर मैं आम इंसानों से बात करूंगा उन पे रिसर्च करूंगा तो भी उसी के लिए करूंगा। सो वी नीड टू हैव अ वर्दी आइडिया, वर्दी आइडिया है ना, बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। यही रुकते हैं, जय श्री कृष्ण। और 5:45 बजे है।